औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मतगैरी खती मसावतों के जोड़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करना आपने सीखा है। आइए यादा के तौर पर हम उसी सबक को लेते हुए इखराज के तरीक़े से या इखराजी तरीके से दो मुतगैरी खती मसावतों के जोड़ों को किस तरह हल किया जाता है उसको देखें। इम्तहानी नुक्ते नज़र से ये बड़ा अहम सवाल है और दो मार्क्स का एक सवाल इंशाअल्लाह आपको अपने इम्तहानी पर्चे में ज़रूर मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी लर्नड हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिफरेंट मेथड्स एंड वन ऑफ देम इज एलिमिनेशन मेथड। सो इन टूडेज वीडियो लेट अस सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन मेथड एंड टू द पॉइंट व्यू ऑफ एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू हैव वन क्वेश्चन ऑन दिस। तो आइए इखराज के तरीके से दो मुतगैरी खती मसावतों का जोड़ा हल करना, टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन और यू मे कॉल इट एज एलिमिनेशन मेथड। मिसालें, ज़ील की मसावतों को इखराज के तरीके से हल करो। एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2x plus y is equal to 10. Call this as equation number 1. X plus y is equal to 6. Call this as equation number 2. Now, if you see the coefficients of y in both the equations are equal, so let us subtract equation number 2 from equation number 1 to eliminate y. So, in दोनों मसावातों का बगौर मुशाहिदा अगर आप करते हो तो यहाँ y के ज़रीब आप मसावी पाओगे, तो लिहाजा मसावात नंबर 2 को मसावात नंबर 1 में से हम तफरीक करेंगे और तफरीक करेंगे तो y जो है वहाँ से खारिज होगा। तो मसावात 2 को 1 से तफरीक करने पर इस तरह आप लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, जस्ट राइट दिस एंड राइट इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसके नीचे दूसरा इक्वेशन वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। अब चूंकि y की दोनों अलामतें एक जैसी हैं, यकसा हैं, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करना यानी नीचे वाले मसावात के अरकान की अलामतों को बदलते हुए जमा करना। तो सब्ट्रैक्शन मीन्स चेंजिंग द साइंस ऑफ द टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड एडिंग देम। तो ये जमा है, ये नफी बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो प्लस, ये भी कन्वर्ट होके माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है वो भी बदलकर नफी हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अभी प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे तो 2x माइनस 1x विल बी x एंड 10 माइनस 6 विल बी 4। तो x इज इक्वल टू 4, यहाँ x की कीमत जो है वो कद्र 4 हमें हासिल हो रही है। सो द वैल्यू ऑफ x हियर व्हाट वी आर getting is 4. Now let us substitute this x is equal to 4 in either of the two equations. Okay, तो x बराबर 4 को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे और वो इक्वेशन लेंगे जो बिल्कुल आसान है। तो सेकंड इक्वेशन आसान है, सेकंड इक्वेशन इज इजी वन, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। x बराबर 4 को 2 में मसावा 2 में दर्ज करने पर तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है, x का वैल्यू हमने 4 हासिल किया तो रिप्लेस x बाय 4, x के जगह पर 4 लिखेंगे, 4 जमा y बराबर 6, सो y इज इक्वल टू 6, टेक प्लस 4 टूवर्ड्स राइट साइड, इट विल बिकम माइनस 4, सो 6 माइनस 4 इज नथिंग बट 2, हेंस 2 इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये दो
y की मकदार होती है, तो therefore x is equal to 4 and y is equal to 2, x बराबर 4 और y बराबर 2 इन दोनों मसावातों का हल है और ये तरीका इखराज का तरीका कहलाता है. सो दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड ऑन टू एग्जांपल नंबर 2. दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं. द एग्जांपल इज x प्लस y इज इक्वल टू 10, x माइनस y इज इक्वल टू 2. इसको मसावात नंबर 1 बोलो और इसको मसावात नंबर 2 बोलो. अब यहाँ y के ज़रीब मसावी हैं और y की अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो इस लिहाज से इस मिसाल में y को खारिज करने के लिए हमें मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को जमा करना पड़ेगा. ओके, तो एज द कोएफिशिएंट्स ऑफ y आर सेम एंड दे हैव डिफरेंट साइंस, देन वी हैव टू एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रेस्पेक्टिवली टू एलिमिनेट y फ्रॉम द इक्वेशन. नाउ लेट अस प्रोसीड एडिंग 1 एंड 2. एक और दो को जमा करने पर राइट इक्वेशन नंबर 1 x प्लस y इज इक्वल टू 10, बिलो इट राइट इक्वेशन नंबर 2 x माइनस y इज इक्वल टू 10. तब जमा y नफी y वी आर एडिंग, हम जमा कर रहे हैं, तो जमा y नफी y प्लस y माइनस y गॉट कैंसल, कैंसल हो जाएंगे, तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, सो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो 12/2 बराबर 6. अब ये 6 जो x की कीमत आ रही है या वैल्यू जो आ रहा है, इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो x इज इक्वल टू 6 को मसावात 1 में दर्ज करने पर सब्स्टिट्यूटिंग इसको मैं करेक्ट लिख देता हूं, सी सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो दोनों में इक्वेशन 1 बिट इजी है क्योंकि जमा की अलामत उसमें प्लस साइन आ रहा है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 10, x के जगह पर 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, सिंपल इक्वेशन है, यू हैव स्टडीड दिस इन 8th स्टैंडर्ड इवन इन 7th स्टैंडर्ड आल्सो. सो y इज इक्वल टू 10 प्लस 6 उधर ले जाओ, माइनस 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4 आर द सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल, और दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट फॉर द इक्वेशंस x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2. तो ये दोनों इस मसावात का हल सेट कहलाता है. आइए एक और मिसाल को देखते हैं. x प्लस y इज इक्वल टू 8 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 7. इसको मसावात नंबर 1 बोलो, इसको मसावात नंबर 2 बोलो. अब यहां भी y का जरीब या कोएफिशिएंट इक्वल है और एक y का साइन प्लस है, एक और y का साइन माइनस है, तो ऑब्वियसली हमको यहां इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. वी हैव टू ऐड द इक्वेशंस, या इन दोनों मसावातों को मुसावातों को जमा करना पड़ेगा. तो एक और दो को जमा करने पर एडिंग 1 एंड 2 वी गेट x प्लस y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस y इज इक्वल टू 7. इन दोनों को एक के नीचे एक रखेंगे, फिर ऐड कर रहे हैं, प्लस साइन लगाओ, 1x प्लस 2x 3x हो जाएंगे, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा या खारिज हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15. सो 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 के 3 3 25 15, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, सो द वैल्यू ऑफ x इज 15. यहां x की कीमत या कद्र जो है वो 5 हासिल हो रही है. अब x बराबर 5 को मसावात 1 में रखेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस y इज इक्वल टू 8. मसावात नंबर 1 पहले लिखेंगे आप, x के जगह पर जो कीमत जो कद्र या जो वैल्यू आया है उसको पुट अप करो, 5 जमा y बराबर 8 और y बराबर 8 जमा 5 उधर ले जाओ, माइनस 5, 8 माइनस 5 3 होता है,
सो y का वैल्यू 3 आ रहा है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन सेट फॉर द इक्वेशंस x प्लस y इज इक्वल टू 8 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 7। तो लिहाजा x बराबर 5 और y बराबर 3 इन दोनों दो मुतगैरी खती मसावतों के जोड़े का हल सेट कहलाता है। लेट अस सॉल्व टू मोर एग्जांपल्स। आइए दो और मिसालें हम लोग हल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। तो ये बिल्कुल आसान मसावत है या आसान मिसाल है, इजी एग्जांपल। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, अगर आप इन दोनों मसावतों को जमा करोगे तो y यहां पर खारिज हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 मसावत 1 और 2 को जमा करने पर x प्लस y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 1 ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे इक्वेशन 2 यू आर गोइंग टू राइट x माइनस y इज इक्वल टू 4, प्लस का सिंबल लगाओ बिकॉज वी आर एडिंग। तो जमा y नफी y, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस x इज इक्वल टू 2x, टू 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18, 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, दो के दो, दो नम 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, सो द वैल्यू ऑफ x, यहाँ x की कीमत जो है वो 9 हमें हासिल हो रही है। अब इस x बराबर 9 को इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे, x बराबर 9 को मसावात 1 में दर्ज करने पर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस y इज इक्वल टू 14, 9 x का वैल्यू है उसके जगह पर 9 पुटअप करो, 9 प्लस y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, प्लस 9 उधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस 9, 14 माइनस 9 विल बी 5, हेंस लिहाजा x बराबर 9 और y बराबर 5, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल और इक्वेशंस। एक और एग्जांपल करता हूं, x प्लस y इज इक्वल टू 5, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, 2x नफी 3y बराबर 5, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां अगर आप एनालिसिस करोगे, तजिया करोगे, तो y की एक अलामत, एक y की अलामत प्लस है, एक y का सिंबल माइनस है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग जमा करेंगे, बट द कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट, है ना, तो उनको इक्वल करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 2, ओके, एंड इक्वेशन 2 बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 1। तो मसावात 1 को मसावात 2 के y के जरीब से हमें जरब करना है और मसावात 2 को मसावात 1 के y के जरीब से हमें जरब करना है। तो मसावात 1 को 3 से और 2 को 1 से जरब देकर जमा करने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन इक्वेशन 2 बाय 1 देन ऐड, ओके, तो 3 इंटू x 3x प्लस 3 इंटू y 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, तो 3 जरब x 3x जमा 3 जरब y 3y बराबर 3 25 15। अब मसावात 2 को, इक्वेशन 2 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज इक्वेशन 2 को हमें लिखना पड़ेगा, तो वी आर गोइंग टू राइट इक्वेशन 2 एज इट इज, सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, वी आर एडिंग, पुट प्लस सिंबल हियर, तो प्लस 3y माइनस 3y एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 3x प्लस 2x विल बी 5x, 5x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, 5 1 जा 5 4 जा 5 के 5 5 चौक 20, तो x की कीमत हमें यहां पर 4 हासिल हो रही है। अब इस x की कीमत जो 4 हासिल हो रही है उसे इक्वेशन 1 में हम लोग पुटअप करेंगे तो y का वैल्यू हमको हासिल होता है, तो x इज इक्वल टू 4 को 1 में रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 है, तो x के जगह पर 4, 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 4
plus 4 shifted to RHS, it will become minus 4, and subtraction of 4 from 5 will be giving 1. To what we are getting the value of y as 1, hence the value of x 4 and the value of y 1. This is the solution set for this particular equation. To x barabar 4 or y barabar 1, masawat x plus y is equal to 5u और 2x minus 3y is equal to 5u का हल सेट कहलाता है। तो अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, दिस व्हाट यू कॉल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, एंड यू विल बी गेटिंग वन डेफिनेट क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स इन योर एनुअल मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर। तो अजीज तलबा तालिबात, ये तरीका जो है दो मुतगैरी खती मसावतों के जोड़े को इखराज के तरीके से या इखराजी तरीके से हल करना, ये तरीका कहलाता है। ये बड़ा अहम सवाल है और आपके इम्तहान में 2 मार्क्स के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है। क्या इंशाल्लाह यकीनन पूछा जाएगा। इन मसावतों को या इन मिसालों को आप प्रैक्टिस करें, और मां सिवा इसके किताब में जो और मिसालें हैं उनको भी आप सॉल्व करें। मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं प्रीवियस इयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे मैंने लिए हैं, और जो 2 क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड की जानिब से अपलोड किए गए हैं वहाँ से भी 2 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे और ये 2 मार्क्स भी मुकम्मल तौर पर हासिल करने की ज़रूर कोशिश करोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक 4 मिसालें होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिखी हैं, और ये 4 मिसालें आप देखें। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 11, x प्लस y इज इक्वल टू 8 एग्जांपल नंबर 9, x प्लस y इज इक्वल टू 15, x माइनस y इज इक्वल टू 5u, और मिसाल नंबर 10, x जमा y बराबर 12 और x नफी y बराबर 4। तो ये 4 मिसालें आप लोग प्रैक्टिस करें और 2-4 दिनों के बाद फिर इस मजमून को उठाकर फिर इन मिसालों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह बार बार अगर आप करते रहोगे तो ये मिसालों को किस तरह हल किया जाता है, इन मिसालों को या इन मिसालों का हल जो है वो अच्छी तरह आपके जहन नशीन हो जाएगा, और यू विल बी एबल टू स्कोर फुल 2 मार्क्स बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।